रामगढ़ताल पुलिस व सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने दो लुटेरों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर रविवार को शातिर अपराधी मनोज व अजीत उर्फ सोनू बाबा, जो रामगढ़ताल की 32 लाख की लूट में पूर्व में जेल जा चुके हैं एवं थाना कैंट व रामगढ़ताल की लूट के मुकदमे में वांछित चल रहे थे, कि रविवार को गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त पुलिस बल पर फायरिंग करने लगे। आत्मरक्षार्थ में पुलिस बल की तरफ से जवाबी कार्रवाई में दोनों अभियुक्त घायल हो गए, जिनको चिड़ियाघर के पीछे से गिरफ्तार कर इलाज के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जहां पर दोनों अभियुक्तों का इलाज चल रहा है, जिसके पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल, एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, एक देसी तमंचा, एक मिस कारतूस, एक खोखा कारतूस, लूट की एक मोबाइल व एवं लूट का लगभग 3 लाख रुपए नकद बरामद किया गया है, जिनकी पहचान मनोज पुत्र दूधनाथ निवासी मोहरीपुर टोला थाना चिलवाताल जनपद गोरखपुर, दूसरा अजीत उर्फ सोनू बाबा पुत्र स्वर्गीय शंभू निवासी सिंघवान थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसएसपी ने टीम को 25,000 का इनाम देने की घोषणा की है। पुलिस कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम में रामगढ़ताल थाना प्रभारी सुशील कुमार शुक्ला, वरिष्ठ उपनिरीक्षक शेष कुमार शर्मा, आजाद चौक चौकी प्रभारी विशाल कुमार उपाध्याय, आजाद नगर चौकी प्रभारी पुरुषोत्तम, सर्विलांस सेल प्रभारी धीरेन्द्र कुमार राय, उप निरीक्षक अरुण कुमार सिंह, उप निरीक्षक मनीष कुमार यादव, हेड कांस्टेबल राम इकबाल राव, निशांत संतोष सिंह, राजमंगल सिंह, अरुण खरवार, कांस्टेबल इंद्रेश वर्मा, करुणापति तिवारी, दुर्गेश मिश्रा, रवि चौधरी, मुकेश यादव, सचिन कुमार यादव, चंदन भारती शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, रात्रि में थाना रामगढ़ ताल में दो अपराधियों का पीछा करते हुए पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें कि जवाबी कार्रवाई में दोनों अभियुक्तों को गोली लगी है। दोनों अभियुक्त फिलहाल अस्पताल में हैं, इलाजरत हैं। इसमें पूछताछ में जानकारी हुई कि दोनों अभियुक्त पूर्व में लूट में जेल जा चुके हैं और बड़े अपराधी हैं, जिन्होंने कि हाल ही की घटनाओं में थाना रामगढ़ ताल और थाना कैंट में कुल 3 लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था, जिसमें वो वांछित चल रहे थे। दोनों अभियुक्तों से लगभग 3 लाख रुपए लूट के एक पिस्टल, एक तमंचा, एक बाइक और एक लूट का मोबाइल बरामद हुआ है, जिनके कि मुकदमे दर्ज हैं। प्रकरण में आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो टीम ने अच्छा कार्य किया है उसे इनाम के तौर पर 25,000 रुपये नकद का पुरस्कार मेरी तरफ से दिया जा रहा है।